नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला। बिग बॉस 16 आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं रोहित शेट्टी के खतरनाक स्टंट से भरपूर रोमांचक रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 12 में हिस्सा ले चुके राजीव अदातिया का नाम भी काफी सुर्खियों में है। यही नहीं, राजीव अदातिया का नाम इस बार बिग बॉस 16 से जोड़ा भी जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर कहा है कि वो फिलहाल अपने यूट्यूब चैनल पर काम करना चाहते हैं। खतरों के खिलाड़ी को लेकर राजीव ने कहा कि वो शो के लिए कन्फर्म होने वाले पहले कंटेस्टेंट थे। ये बात राजीव के लिए सब जानते हैं कि वो जिस भी शो में हिस्सा लेते हैं उस शो में 4 चांद लगा देते हैं। बिग बॉस शुरू होने से पहले ही ये बता दिया गया था कि कई कंटेस्टेंट्स इस बार खतरों के खिलाड़ी से भी आ जाएंगे। वहीं वाइल्ड कार्ड एंट्री में अब राजीव अदातिया का नाम भी लाया जा रहा है। पिछले काफी दिनों से राजीव अदातिया के बिग बॉस 16 में भी हिस्सा लेने की खैर अटकलें लगाई जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस पर कहा है कि फिलहाल उन्हें मेकर्स की तरफ से कोई कॉल नहीं आया है, लेकिन अगर कॉल आता है और उन्हें बुलाया जाता है तो वो बिल्कुल शो में दोबारा से हिस्सा लेंगे। खतरों के खिलाड़ी 12 के बाकी कंटेस्टेंट में से राजीव फैजल शेख को अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक मानते हैं। आपको बता दें कि राजीव अपनी माँ और बहन के बहुत ही करीब हैं। जब भी उन्हें किसी की एडवाइस की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले अपनी माँ नीला अदातिया से ही बात करते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजीव इससे पहले सलमान खान की रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 15 का भी हिस्सा रह चुके हैं। राजीव ने शो में दर्शकों को खूब एंटरटेन भी किया था। राजीव को ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया था। राजीव अदातिया एक्ट्रेस शमिता शेट्टी के राखी के भाई हैं। वो शिल्पा और शमिता के साथ खास बॉन्ड भी शेयर करते हैं। राजीव अदातिया 18 साल की उम्र से ही घरेलू और इंटरनेशनल ब्रांड्स का पॉपुलर फेस भी रह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले सीजन में वाइल्ड कार्ड एंट्री में राजीव अदातिया घर के अंदर आते हैं या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज टेड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।